कैसे हो गाइस, आई होप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं LG के स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ गाइस, LG के स्मार्टफोन के बारे में। अब तक आपने LG के बहुत सारे होम अप्लायंसेस देखे होंगे, लाइक टेलीविजन देखी होगी, रेफ्रिजरेटर देखा होगा, आपने काफी सारे प्रोडक्ट आपके घर में ही होंगे LG के। लेकिन गाइस LG स्मार्टफोन के अंदर भी काफी अच्छा काम करता है। और भाई अगर हम पुराने फोन्स को देख लेना LG के, तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुए। लेकिन 2020 के टफ कॉम्पिटिशन में भी LG अपना स्मार्टफोन लेकर आने वाली है बहुत ही जल्द, LG वेलवेट। जी हाँ गाइस, काफी सारे स्पेसिफिकेशन LG ने खुद रिबिल्ड किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और भाई आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए, बिकॉज LG ने इस स्मार्टफोन के अंदर काफी यूनिक डिजाइन और काफी यूनिक कैमरा लेकर आई है, जो कि अब तक के मुझे नहीं लगता कि किसी भी फोन के अंदर आपको डिस्प्ले डिजाइन या फिर ऐसा कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो टेकल पर शिवम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस इस वीडियो को मैं लेकर नहीं आने वाला था, लेकिन गाइस इसके लुक को देखते हुए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए कि एक यूनिक लुक भी LG लेकर आ रही है जो कि सभी स्मार्टफोन से हटकर होगी। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में जो कि होगा LG का वेलवेट। अगर हम बात करें इसके बैक साइड लुक के बारे में, जहां पर आपको फोन के बैक साइड में कुछ इस तरीके का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और भाई LG इसे बोल रही है रेन ड्रॉप कैमरा सेटअप। जी हां गाइस, यहां पर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और आपको दो अलग अलग और लेंस मिल जाते हैं, वाइड एंगल लेंस और यहां पर मैक्रो लेंस, आई होप ये होंगे। और गाइस साथ में आपको जो चौथा यहां पर सर्कल देखने को मिल रहा है वो है LED फ्लैश, LED लाइट देखने को मिलती है। तो गाइस यहां पर जो कैमरा लुक है ना वो यूनिक है और यहां पर कोई भी बंप देखने को नहीं मिलता है, सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी सारे स्मार्टफोन के अंदर देखिए कि 48 मेगापिक्सल देने के बाद काफी बंप देती है, लाइक Xiaomi, Realme, तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी बात है और लुक देख सकते हो आप बहुत ही ऑसम किस्म का है। साथ में अगर हम बात करें इसके लुक के बारे में, बैक साइड के डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आपको 3D आर्क डिजाइन देखने को मिलती है। मतलब यहां पर आप जब भी फोन को ऐसे ऐसे करोगे धूप में या फिर बाहर, तो आपको काफी शाइनी लुक देखने को मिलता है। और भाई ओवरऑल मैं कहूंगा बहुत ही कमाल का प्रीमियम लुक बैक से देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बिल्ट आपको देखने को मिल रही है ना, वाकई में कमाल की देखने को मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर डिस्प्ले की साइज आपको 6.9 इंचेस तक की देखने को मिल जाएगी। हालांकि ऑफिशियल साइज तो नहीं पता, लेकिन इस डिस्प्ले को देखकर यही लगता है कि 6.9 इंचेस तक की एक डिस्प्ले होगी। बहुत ही बड़ी और ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहां पर आपको यू शेप स्मॉल नॉच के साथ स्मार्टफोन आता है, जो कि मैं कहूंगा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है सामने से। लेकिन आप बोलोगे 2020 के अंदर होल पंच कट आउट या बोले तो यहां पर वेजललेस डिस्प्ले दे रही हैं सारी कंपनियां और LG दे रही है वाटर ड्रॉप नॉच। लेकिन गाइस वाटर ड्रॉप नॉच पे एक नजर डालो, काफी ब्यूटीफुल सा, बिल्कुल छोटा सा लगता है। और भाई डिस्प्ले की साइज मुझे बहुत ज्यादा बड़ी लगी। ओवरऑल ये स्मार्टफोन डिस्प्ले से या फिर बैक से मुझे कमाल लगा। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के डिजाइन के एक और चीज पर ध्यान दें, तो यहां पर आप साइड में देख सकते हो जो कॉर्नर्स हैं वो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का लुक देता है। ओवरऑल ब्यूटी काफी ज्यादा हो गई, ब्यूटी के बारे में हमने काफी ज्यादा बता लिया, स्मार्टफोन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे। लेकिन भाई अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, क्या स्मार्टफोन सक्सेस होगा, क्योंकि यहां पर डिपेंड करता है ना प्रोसेसर पर। तो यहां पर LG वेलवेट के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट दे रही है, तो मैं कहूंगा 5G के साथ आने वाला है। और भाई आपको यही सेम चिपसेट यहां पर Mi 10 Lite के अंदर देखने को मिला और बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला, तो मैं कहूंगा यहां पर कमाल का ये चिपसेट है, पावरफुल चिपसेट है, यहां पर अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा ये स्मार्टफोन सक्सेस हो सकता है। 4000mAh की बैटरी दी गई है, 3.5mm का ऑडियो जैक दिया जा रहा है। तो गाइस अब तक मैंने जितने भी स्पेसिफिकेशंस बताए मतलब LG वेलवेट के बारे में, वो बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म है, ये खुद LG ने ऑफिशियली टीज किया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कोई भी फेक न्यूज़ मैं नहीं देता हूं, सबसे पहले आपको बता दूं। तो हम फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में, बिकॉज़ बहुत ज्यादा मैटर करता है प्राइस। अगर प्राइस हाई होगा तो फिर से अनसक्सेसफुल फोन हो जाएगा LG की तरफ से। तो गाइस प्राइसिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं $650, अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो आपको लगभग 50,000 के अंदर स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली मैं कहूंगा कि यार 50,000 के अंदर ये स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ और बड़ी डिस्प्ले है, हालांकि मैं मानता हूं कमाल का प्रोसेसर दिया गया, लेकिन फिर भी 50,000 के अंदर आपको काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी LG शुरुआत कर रहा है काफी अच्छे डिजाइन के साथ, यूनिक डिजाइन के साथ, और मुझे ये डिजाइन वाकई में कमाल का लगा। हालांकि नीचे कमेंट के अंदर आप बताओ कि कैसा लगा आपको डिजाइन। लॉन्च डेट की बात करें तो भाई ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि इंडिया में कब तक आएगा, लेकिन गाइस LG इसे बहुत दिनों से रिवील कर रही है, टीज कर रही है, तो बहुत ही जल्द ऑफिशियल कुछ सुनने को मिलेगा जो कि इसी चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चैनल को कर लीजिए डेफिनेटली सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।